छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने पवित्र गिरौदपुरी धाम से शुक्रवार 27 सितंबर से न्याय यात्रा की शुरुआत कर दी है। यात्रा की शुरुआत से पहले पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि विद्रोह, स्वाभिमान, बलिदान की भूमि सोना खान शहीद वीर नारायण को स्मरण कर एवं परम पूज्य गुरु घासीदास की तपोभूमि गिरौदपुरी धाम में माथा टेक कर छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा शुरू हो गई है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि यात्रा का उद्देश्य राज्य के लोगों तक मौजूदा सरकार की विफलताओं को पहुंचाना है। यात्रा के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए बैज ने कहा कि कांग्रेस यात्रा के जरिए भाजपा सरकार पर हमला करेगी, कानून व्यवस्था और निर्दोषों की गिरफ्तारी जैसे मुद्दे को उठाएगी। साथ ही यात्रा के दौरान बलौदा बाजार हिंसा, आगजनी, अमर गुफा, जैत खाम विवाद, विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी और कवर्धा कांड जैसे संवेदनशील मुद्दों को जनता को बताएगी। हमीदू से बात करना ठीक नहीं, लेकिन निश्चित रूप से सरकार डरी हुई है और सरकार कहीं ना कहीं घबराई हुई है। हमारा मकसद है छत्तीसगढ़ की जनता की सुरक्षा होना चाहिए, छत्तीसगढ़ में शांति स्थापित होना चाहिए। लेकिन जिस उम्मीद के साथ छत्तीसगढ़ की जनता ने इनको जनादेश दिया, लेकिन उस उम्मीद के साथ कहीं भी खराब करता नहीं करता। एकता, शांति, भाईचारा, बनते बनते एक समान, छत्तीसगढ़ की शांति स्थापना, ये हमारा प्रमुख संदेश है। बाकी पहुंचाने और कांग्रेस पोस्टर के माध्यम से भी हम लोग घर घर तक सरकार की नाकामियों पर हम पहुंचाने के लिए उसकी भी तैयारी है। 9 महीने में क्या छत्तीसगढ़ जलता रहे, मौतें होती रहे, अन्याय होते रहे, क्या हम देखते रहे? संभव नहीं। कांग्रेस